अरे अरे यहाँ कहाँ बैठ रहे हो? अरे मैडम आज मेरे पापा का जन्मदिन है तो उनके लिए मैंने टेबल बुक कर रखी है। अरे वाह, कोई भी कहीं से मुंह उठा के आएगा और हमारे बगल में आके बैठ जाएगा? अरे कोई बात नहीं मैम साहब, हम और कहीं जाके बैठ जाते हैं। हाँ यही ठीक रहेगा तुम लोगों के लिए। चलो बेटा। पापा हम कहीं नहीं जाएंगे, ये सीट हमने बुक की है तो हम कहीं भी नहीं जाएंगे, यहीं पे बैठेंगे। ऐसे कैसे नहीं जाओगे, अभी जाओगे तुम। मैनेजर मैनेजर, ये कैसे देसी गवारों को रेस्टोरेंट में घुसा लेते हो तुम लोग? जल्दी निकालो इनको बाहर यहाँ से, कितनी स्मेल आ रही है इन लोगों में से। मैडम मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता है, ये सीट इन्होंने पहले से बुक कर रखी। सुन लिया ना आपने? ऐसे कैसे मेरी हेल्प नहीं कर सकते, धक्के मार के बाहर निकालो इन्हें, नहीं तो मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। सॉरी मैडम। अरे मैम साहब आप नाराज क्यों हो रही हैं? हम भी आप जैसे इंसान हैं, आज मेरा जन्मदिन है, कहो तो कुछ आपके लिए भी मंगवा दें। ओ अंकल, हम दोनों एक जैसे कैसे हुए? तुम थे देसी गवार और मैं कहां हाई स्टैंडर्ड की लड़की, तुमने मेरे को अपने आप से कंपेयर कैसे करा? तुम्हारा काम है खेतों में काम करना, धूल मिट्टी में रहना, और तुम लोगों को तो उठना बैठना भी नहीं आता अच्छे रेस्टोरेंट में। कहां मैं और कहां तुम लोग ना मेरी जूती की नोक के बराबर हो, समझे? और तुम लोग मेरे लिए क्या ऑर्डर करोगे? तुम जैसे लोगों की ना मैं शक्ल भी देखना पसंद नहीं करूंगी। बस मैडम बहुत हो गया, अब आप मेरे पापा की इंसल्ट कर रही हो। वाह, अब तुम जैसे देसी गवार भी इंग्लिश बोलने लगे। अरे मैडम आप ऐसे कैसे बोल रही हैं, मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है। अच्छा, किस चीज की पढ़ाई कर रहा है आपका बेटा, खेत जोतने की या हल चलाने की? बस मैडम बहुत हो आपका, अब आप अपनी हदें पार कर रही हो। नहीं होती मैं चुप, क्या कर लोगे? तुम जैसे देसी गवार ना ऐसे ही रहेंगे, ब्लडी थर्ड क्लास पीपल। चल बेटा मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, कहीं और जाके बैठ जाते हैं। चल जी, क्या हो गया? अरे मैं तो इनहेलर भी नहीं लाई, सेट क्या करूं? क्या हुआ मैडम, इन्हें सांस क्यों नहीं आ रही है? वो एक्चुअली इनको अस्थमा की प्रॉब्लम है और मैं इनका इनहेलर लाना भूल गई, मुझे तो इनहेलर का नाम भी याद नहीं है, और अगर इन्हें इनहेलर नहीं मिला ना टाइम पे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये लो मैम साहब। वैसे आपको कैसे पता चला कि मुझे इसकी जरूरत है? हाँ हाँ, आप लोगों को कैसे पता चला कि इन्हें इसी इनहेलर की जरूरत है? जैसे ही मैंने देखा कि इनको अस्थमा का अटैक आया है, मैं दौड़ के केमिस्ट पे गया और वहां से इनहेल लेके आ गया। बेटा हम देसी जरूर हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है। बेटा कुछ बुरे हालातों की वजह से मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया लेकिन अब मैं अपने बेटे को पढ़ा रहा हूँ और मुझे पूरा यकीन है जो सपना मैं पूरा नहीं कर पाया वो अब मेरा बेटा पूरा करेगा। और हाँ मैडम, आगे से एक बात का ध्यान रखना, कभी भी किसी को उसके कपड़ों से जज मत करना। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप दोनों के साथ इतनी बदसलूकी करी फिर भी आपने मेरी मदद करी, आज आप नहीं होते तो न जाने क्या ही हो जाता। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, और आज आपका बर्थडे है ना, आइए साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, बैठिए।